कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी की थी थोड़ी देर पहले, और अब कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है राजस्थान चुनाव को लेकर। आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे, अपडेट करेंगे कि कौन कौन और कितने नाम है, किसको टिकट दिया गया है। तो राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी है थोड़ी देर पहले, आज देखिए सप्तमी का दिन है, और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची अपनी जारी की, और अभी अभी जानकारी मिली कि कांग्रेस ने भी सूची जारी कर दी। ये पहली सूची है, सचिन पायलट को भी टिकट दिया गया, अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे और सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है, जबकि सचिन पायलट को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। 33 उम्मीदवारों की यह पहली सूची है, सचिन पायलट को टोंक से टिकट दिया गया है। तो ये तीन जो बड़े नाम हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनको पहली सूची में टिकट। अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि राजस्थान चुनाव में ये कांग्रेस की पहली सूची है। अभी लगभग थोड़ी देर पहले आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी की थी अपनी, प्रत्याशियों के 83 उसमें नाम थे, और अब ठीक थोड़ी देर के बाद कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, और इस लिस्ट में 33 प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है, सचिन पायलट का भी नाम है, टोंक से लड़ेंगे वो चुनाव, जबकि सीपी जोशी को भी मैदान में उतारा गया है, यह जानकारी मिल रही है। अशोक गहलोत सरदारपुरा से, उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। वहां सीपी जोशी को नाथद्वारा से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, जबकि टोंक से मैदान में उतारा है सचिन पायलट को कांग्रेस ने, और 33 प्रत्याशियों के नाम है इस पहली सूची में। बहुत माथापच्ची चल रही थी इसको लेकर, बहुत हर एक गुट कोशिश में था कि उनके जो चाहने वाले हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट्स मिल जाए और उनकी चले। इसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, सचिन पायलट पूरी जोर लगाए हुए थे। तो तमाम खेमेबाजी के बीच पहली सूची कांग्रेस ने प्रत्याशियों की जारी कर दी है राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसमें 33 नाम सामने आए हैं, और जिसमें तीन बड़े नाम तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सीपी जोशी, ये आपको बकायदा हम लिस्ट दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप हमारे देख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी की और आज कांग्रेस ने पहली सूची।